हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू काजल ब्लॉग्स। मेरी दिन की शुरुआत हो रही है पूजा रूम की सफाई करते हुए। यहाँ मैं डेली ही पानी से क्लीन करती हूँ। सुबह पूजा रूम क्लीन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िलहाल मेरा ही है, क्योंकि मैं सुबह ही रोज़ नहा लेती हूँ। बहुत सुबह सुबह भी नहीं नहाती हूँ, कम से कम 9 साढ़े 9 बजे तक नहा लेती हूँ। बचपन से ही पूजा वगैरह में इंटरेस्ट आया, शायद पेरेंट्स को देख कर इंटरेस्ट आ गया होगा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी, धूप तो बिल्कुल भी नहीं था, लग रहा था बारिश होगा बट बारिश नहीं हुई। आसमान एकदम ब्लू ब्लू हुआ था। अभी मैं किचन में हूँ क्योंकि मुझे नींबू पानी पीना है। एक टाइम था जब मार्केट में 10 रुपये में 2 नींबू मिलता था, और अभी 10 रुपये में बहुत सारे मिलते होंगे। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता 10 रुपये में अभी कितने नींबू मिल रहा है, क्योंकि घर में ही पेड़ है और हम लोग घर का पेड़ का नींबू ही यूज़ कर रहे हैं। नींबू पानी पीने के फ़ायदे यही है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है। अभी तुरंत ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी क्योंकि जस्ट नींबू पानी पिए हैं, 10-15 मिनट बाद करूँगी। तब तक रूम को थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा मिट्टू अपने झूले में बैठा हुआ है, वो बैठकर अपने फेदर्स को क्लीन कर रहा है। फ़िलहाल मैं बेडशीट्स को अरेंज करके रख रही हूँ। काम पे बैठने से पहले थोड़ा बहुत अरेंज करके ही बैठती हूँ, वरना अच्छा नहीं लगता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मैं वहाँ से इधर आ गई, सिस्टम ऑन कर रही हूँ, और मीठू भी मेरे साथ आ गया मेरे कंधे में बैठ कर। मीठू को जब कुछ चाहिए ना, तब वो मेरे कंधे में आकर बैठ जाता है, स्पेशली जब उसे काजू चाहिए तब, या फिर जब उसे भूख लगती है तब। फिर भी अगर मैं ना दूं जो उसे चाहिए तो वो हंगामा मचाने लगता है। मैं कुछ काम से छत आई थी, मौसम का क्या ही बात करूं, कुछ दिनों से बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था ना, एक प्लांट लगाते लगाते अंधेरा हो गया तो ठीक से नहीं दिख रहा था। मैंने कहा था नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूंगी, तो यही है कुछ प्लांट्स। इसमें 4 से 5 प्लांट्स हैं। मैंने सारे प्लांट्स को एक ही बास्केट में लगाया है, जब ये ग्रो कर जाएगा तब बहुत सुंदर लगेगा। लंच में चावल दाल सब्जी और भुजिया है। मैं थोड़ा लेट से लंच करती हूँ, इसलिए प्री वर्कआउट मील कभी लेती हूँ कभी नहीं लेती हूँ। अगर लेती हूँ तो हल्का फुल्का ही लेती हूँ, क्योंकि लेट से लंच करती हूँ उसके जस्ट बाद खाना फिर से नहीं खाया जाता है, तो हल्का फुल्का ही लेती हूँ प्री वर्कआउट में। अब जिम के लिए रेडी हो जाती हूँ। जिम जाने से पहले एक बार फेस को क्लींजर से क्लीन करती हूँ। बालों को क्या ही करना है, डिटेंगल हुआ पड़ा था तो नॉर्मली एक बन बना रही हूँ। मेरा बाल ऑयलिंग मांग रहा है, तो मैं रात को सोने से पहले आज कर लूँगी। जिम में बैक वर्कआउट था, वार्म अप के बाद वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। मुझे नाम नहीं पता मैं कौन सा वर्कआउट कर रही हूँ, पर इतना पता है कौन से दिन में कौन सा वर्कआउट किया जाता है। मैं सारे वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, जितना हो पाता है उतना ही करती हूँ। घर आते वक्त फ्रूट शॉप से बनाना ख़रीदती हूँ। मैं रेगुलर यहाँ से बनाना लेती हूँ, जिम के बगल में ही है ये शॉप। बाय वॉकिंग मैं घर आ जाती हूँ। मुझे लगभग 15 मिनट लगता है घर पहुँचने में। मैं मौसम का आनंद उठाते हुए घर आने लगती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला टाइम जब मैं बाय वॉकिंग घर आती हूँ, क्योंकि ठंडा ठंडा हवा बहता है इसीलिए, और इसी बहाने कम से कम 10-15 मिनट वॉकिंग भी हो जाता है। रात को मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। मैं कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, स्मिटिन से ऑर्डर की थी वही है, ये ऑयल फ्री में मिला था। ये कैसा काम करेगा मुझे नहीं पता। ये ऑयल का नाम है, ऑयल ब्रिलियर ब्रांड का है,
डैंड्रफ कंट्रोल ऑयल सॉर्ट्स नाम है। फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ, इसमें लिखा हुआ है ये सिर्फ स्कैल्प में लगाना है। इसे अप्लाई करने के बाद डैंड्रफ से रेड मिलता है, छुटकारा मिलता है, पर मेरे बालों में डैंड्रफ तो है ही नहीं, तो अब तो अप्लाई करके ही देखने को मिलेगा हेयर का कंडीशन कैसा रहता है। तो यही एंड करती हूँ ब्लॉग को, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी है हाय आई एम काजल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बाय, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।